पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आने वाले हैं और दो बार पहले आ भी चुके हैं दीपेंद्र हुड्डा भी। फोटो इनका दिखाई एक बार, ये देखो ये देवेंद्र कादियान के ताश पे फोटो है। अच्छा ये बताओ आपने हरियाणा में 10 साल बीजेपी का राज देखा तो क्या कुछ लगे भाई? हमारा पूरा जो 36 ब्रैदरी ने कल देवेंद्र कादियान भाई का सम्मान कराया है, पगड़ी पहनाई है, आप तो जो दिखाया था कि 18 लाख रुपये जो कि भाई दमाड़ा माड़ा पर आई गई है, 3 आदमी ने पैसे में तुल्या है, लडुआ में तुल्या है, चांदी के मुकुट आए हैं। हमारा गांव बार है, गांव का प्रधान है पुरखा सराठी, जो गांव है जो पुरखा, फिर भी काम नहीं चल रहा। पापा ट्रे चपा रहे हैं, कुलदीप शर्मा पर काम चलता नहीं दिखता। अच्छा पापा टे पड़े हैं चपता है ना, बोला भूपेंद्र हुड्डा हुआ छोटा सा, वो भूपेंद्र हुड्डा सब सौदा लिया अड है, क्यों आओ भाई ये तुम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी है और मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ आज, और यहाँ पर जो है काफ़ी जो है राजनीति हलचल हो रही है। ये गांव पुरखास गांव है, गन्नौर विधानसभा में गांव पड़ता है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आने वाले हैं और दो बार पहले आ भी चुके हैं दीपेंद्र हुड्डा भी और भूपेंद्र हुड्डा भी। फिलहाल पुरखास गांव है, 3 चौक लगते हैं यहाँ पर, इस तरफ ये पता नहीं कौन से गांव में जावा है, इस तरफ ये पता नहीं कौन से गांव में। थोड़ा सा पता करते हैं यहाँ पर आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। और ये देख सकते हैं आप, इतना सुंदर बढ़िया तरीके से गांव है, एकदम बढ़िया लगे हमने तो भाई, क्योंकि यहाँ पर चहल पहल बढ़िया है। थोड़ी इस तरफ यहाँ पर ताश खेल रहे हैं, थोड़ी सी इनसे चर्चा करेंगे, और काफ़ी इधर भी बैठे हैं, इधर आदमी बैठे हैं। राम राम जी एक बार, तो ठीक हो जी? अच्छा चुनाव के बारे में समझना मेरे को, क्या चल रहा है आपकी बार? देवेंद्र कादियान है भाई, आड़े हैं देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान, हाँ जी। वो क्यों कैंडिडेट तो है, बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस से है, सिर्फ के नए न देख ले भाई, नए न कैंडिडेट नए न देखेंगे, सारे अन पुराने की जरूरत ना भाई। अच्छा नए तो है भी ना, ये बूढ़े वाली है, बूढ़े वाली है भाई, रिटायरमेंट दे रहा है रिटायरमेंट। अच्छा देवेंद्र कादियान में खास बात क्या है कि भाई इतना उनका की सेवा कर रहा है, गरीब आदमी की सेवा, एम्बुलेंस चला रहा है भाई, बच्चा ने सिक्योरिटी बांट है, और बतेरे काम है भाई, और नौकरी लगवाऊ काम थोड़ी हुआ है भाई, सामाजिक काम हो सब क्यों हो, बढ़िया रहा गरीब आदमी। अच्छा आप चाहते नहीं कि उड्डे सरकार आए हरियाणा में? उड्डा आ जाओ ऊपर पर हाडा तले दाम ने यो सीट का तो ये रोला मारा अपना है। अच्छा तो ऊपर उड़ाना चाहिए फिर बीजेपी आनी चाहिए ऊपर? ऊपर तो कोई आ जाओ सब नीचे हमने देवेंद्र कादियान भाई, देवेंद्र कादियान चाहिए भाई, ये तो चल रहे है उससे के चल रहे है, ठीक है बुढ़े आदमी ने खल्या रहे आडा सारे ताश पे फोटो है ना दिखाई एक बार। हाँ ये तो ये देखो ये देवेंद्र कादियान के ताश पे फोटो है, मतलब हर जगह देवेंद्र कादियान, कुर्सियों पे भी देवेंद्र कादियान, एम्बुलेंस पे भी है, दिल में भी भाई कभी हूँ कर रखे हो हुआ हुआ फिर सीट को यू क्या है। अच्छा बटन नंबर 9 पे है उसका, हर गांव में दीवार दिखाओ आपने देवेंद्र कादियान की है उस पर भी। अच्छा कह लू करे इस गांव में बड़ा सम्मान सम्मान कराया गया उसका भाई, सम्मान पूरे हल्के में नहीं, गांव में नहीं पूरे हल्के में, क्या क्या करे कह लिया पर आए थे, क्या क्या मान सम्मान में क्या क्या चीज हुई? उसको टिकट नहीं मिल रहा था, टिकट दे दिया पब्लिक ने, चांदी की दे दी टिकट, वो कागज की टिकट थी, और भाई बाहर ने पगड़ी बांध दी चांदी की, और मुकुट दे दिया चांदी का, भाई जा लड़ जो इलेक्शन। अच्छा जी इतना बड़ा समर्थन इस गांव से पूरे बारह की तरफ से जी। अच्छा जी हाँ। अच्छा ये बताओ आपने हरियाणा में 10 साल बीजेपी का राज देखा तो क्या कुछ लगे भाई? हमने कोई काम नहीं हुआ जब बदी सजा छोरे बनाओ है तो ना, तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहिए आपने ना फिर बीजेपी? भूपेंद्र हुड्डा को चाहते हैं लोग, लेकिन हमारे हल्के में काम नहीं हो रहे, इसलिए हम एमएलए बदलना चाहते हैं। तो लगता है दो विपक्ष में बीच में बैठ के काम कर पाएंगे आपके विधानसभा भाई? ना करेंगे तो फिर आगे बदल लेंगे। अच्छा इसने भी देखेंगे, ये पहले देख लिया दो दो बार काम करने लाग रहा, काम कर रखे बिना एमएलए हुए उसने काम कर रखी, अरे काम पाँच सौ विधायक हुए पाँच सौ करेगा। अच्छा ये बताओ कुछ चर्चाएं चल रही है, देवेंद्र कादियान अगर जीत हासिल कर गए तो कौन सी पार्टी में जा भी सकते हैं? वो कोई बारह पंचायत बताओगे सब आदमी इकट्ठे होगा सब पूरा हल्का, वो अपने आप सीट तय करेंगे किसको कित जाना है। अगर बीजेपी में जाए तो कैसा रहेगा?
वो तो फिर सरकार जिसकी होगी जित काम होंगे होंगे भेजेंगे। अच्छा जी, यानी कि जिसकी सरकार बनेगी उसमें भेज देंगे, जित पूरे सबकी राय से होगा, अकेले मेरे से नहीं होगा, पूरे हल्के के उससे होगा। देखो बड़ी चीज निकल के आई है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब की बार देवेंद्र कादियान भाई देख सकते हैं आप, मतलब इतना पार्टी होगा, एक आएगा ना कांग्रेस की आवाज चल रही है, फिर बीजेपी की लहर चल रही है, वो चीजें बतावा, लेकिन यहाँ पर देवेंद्र कादियान की लहर चल रही है बिल्कुल जी। ये पता नहीं ऐसा क्यों, मैं कहीं विधानसभा में गया हूँ, काफी लोग बोलते हैं हम तो भाई बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, जाटलैंड में भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई देवेंद्र कादियान का या फिर कांग्रेस का है? नहीं, ऐसा कोई छत्तीस बिरादरी का ही कौम का नहीं है, यहाँ छत्तीस बिरादरी का, छत्तीस बिरादरी का है, सब सम्मान सम्मान सब सब वोट देंगे, सब मतलब ये नहीं हल्के में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा में जो यू बनेगा ना मेंबर है, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा जीत इसी की हो, देवेंद्र कादियान। हाँ, तो यहाँ पे है कोई सब बीजेपी का हमारे बीजेपी के देव सब इससे इससे भाई, हम देवेंद्र कादियान दे चाहते हैं हमेशा रहोगे नौ जोन वाले थे इन बम बनाने छोरी दोनों बम बनाने यही जीत रहती है भाई, मजीदी बात है भाई, हम दौंदर दंदी साथ हैं भाई हम। तो यहाँ पर मतलब कोई है ही नहीं बीजेपी का, कोई कांग्रेस का कोई सा नहीं है, तो उधर भी भाई साहब बैठे दे उनसे और थोड़ी चर्चा कर लेंगे। ये इधर भाई देखो पोस्टर वगैरह लगा रखे, गाँव का गेट यहाँ पे रख रखे। भाई साहब कैसे हो आप? आगे आपसे समझेंगे सही तरीके से, आपने पहले भी ये बात बताई कुछ अच्छी चीज़ें। अच्छा ये बताओ, मैं ये देख रहा था कि भाई यहाँ पर कांग्रेस के मिल सकते हैं फिर शायद बीजेपी के भी, लेकिन यहाँ सारे देवेंद्र कादियान की गुणगा रहे हैं, ऐसी क्या बात है भाई साहब? सबसे पहले तो सारे भाई राम राम। राम राम भाई साहब। देवेंद्र कादियान ने काम ही सीख रखे भाई हल्के में, पिछले 8-10 साल से जो काम कर रहे देवेंद्र कादियान, गाँव के साथ एक ई रिक्शा जो कूड़ा उठाने के लिए है, हर एक गाँव के अड्डे पर बस स्टैंड की सुविधा हो, आज स्कूला का पर एजुकेशन में ऐसा कंपटीशन बना दिया भाई ने कि जो भी हल्के में बच्चे टॉप कर रहे हैं उनको स्कूटी लैपटॉप टैब फ्री में दे जा रहे हैं। दूसरी बात रही हमारे हल्के में 10 एम्बुलेंस सेवा छूट रखी है, जो गरीब आदमी है उसका पूरा लाभ उठा सके हैं, आप फोन करो 10 मिनट में एम्बुलेंस आपके यहाँ पर मिलेगी। दूसरी बात रही कहीं भी आप भाई ने बुला ले कि छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, भाई साहब दिल तय सेवा कर रहे हैं, और पूरा हल्का जो आपने पता भी होगा कि हमारे हल्के में तो इस बार यो रिकॉर्ड बनागा कि सबसे ज़्यादा वोट जीतकर देवेंद्र कादियान जाऊगा पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा की गारंटी है। मेरे गांव में कम से कम 5,500 वोट पोलिंग होती है, उसमें से देवेंद्र कादियान 1,45,000 वोटों से आगे है, और जो बात करी जाए आपकी बीजेपी के हमारे यहाँ कोई भी वोट नहीं है, एक दो परिवार कह सकते हैं जो बीजेपी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ना तो कोई कांग्रेस का है ना कोई बीजेपी का, ओनली दिल से देवेंद्र कादियान। अच्छा भाई साहब, देवेंद्र कादियान कहीं ना कहीं बीजेपी की लाइन में थे, वे टिकट मिले उनको, तो बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया है, अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बीजेपी से टिकट लेके आते क्या उम्मीद थी? अगर जो बीजेपी से भाई टिकट लेके आते तो उसे जो हमारा जाट की बात करी जाए जो बीजेपी से कट रहे हैं, तो उस टाइम पे ये कह सके थे कि भाई टक्कर हो सके है कुलदीप शर्मा की और देवेंद्र कादियान की, लेकिन टिकट ना मिलने से हमारा हल्का इतना खुश है कि हम ये चाह रहे हैं कि भाई किसी की सरकार ना हो, हमारे देवेंद्र कादियान भाई सरकार के साथ जाओ, मंत्री पद लिए हैं, और हमारे गाँव जो हल्के गन्नौर में अच्छा विकास करें, अच्छा काम करें, और बात रही वो किसी सरकार में जाऊंगे नहीं जाऊंगे, हम देवेंद्र कादियान के साथ हैं, उनकी जीत और उनकी खुशी के साथ जो उनका फैसला होगा वो हमें। अच्छा लगता है भाई कांग्रेस से अगर टिकट देती देवेंद्र कादियान को तो मतलब कुछ क्या समीकरण है, मतलब इच्छा थी आपकी भी कि भी कांग्रेस से टिकट ले गए? कांग्रेस से कोई इच्छा नहीं थी भाई टिकट ले कि हुड्डा के पास, आज जैसे पता लगे भाई दीपेंद्र हुड्डा भी भाई के पास गए हैं, लेकिन अगर जो कांग्रेस इसको टिकट दे देती ऊपर जैसे हमारे हुड्डा है हुड्डा को चाहते हैं कुछ लोग भाई सीएम हुड्डा हो इस बार, तो फिर तो ये था कि आप मेरे हिसाब से कोई पर्चा ही नहीं भर पाओ इसके बराबर में, फिर तो बेचैन बेफिक्र होकर सो जाओ कि देवेंद्र कादियान को शायद को हरा सके, और भाई के काम से ही पब्लिक इतनी जुड़ी हुई है। कल हमारे गांव में प्रोग्राम था देवेंद्र कादियान का, चांदी के मुकुट चांदी की माला 18 लाख रुपये, ऐसा प्रोग्राम शायद कई किसी भी गांव में होया नहीं होगा भाई, पूरे गांव ने करे, पूरे गांव ने करे भाई सब, ये लड्डू आते तीन आदमी ने पैसे तुल्या भी है, चांदी के मुकुट भी आए, चांदी गदा भी दी है, 125 किलो चांदी का जो जल रहा हार बोला है वो भी पहना है 125 लाख का, और तो भाई साहब ऐसा प्रोग्राम शायद कहीं देखा नहीं होगा। अगर आप बात ये हुड्डा ही करी जाए, हुड्डा हमारे गाँव में तीसरी बार आ रहा,
सिर्फ कुलदीप शर्मा को ये डर लग रहा है कि भाई इस बार तेरी हार निश्चित है, तेरी हार इस बार पक्की है। और तो उन्होंने बार बार यही फोकस करा जा रहा है कि कुकरे ने कुकरे उड्डा ना बुलाओ या दीपेंद्र ने बुलाओ, कुलदीप शर्मा जिताओ, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे हरियाणा बात करी जा तो देवेंद्र का दिन सबसे ज्यादा वोट जीत कर जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने के बाद भी, यहाँ तीन बार आने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। अगर जो बात करी जाए कुलदीप शर्मा की, जो हमारे इससे पहले निर्मल चौधरी थी, वो भी देवेंद्र कादियान के भाई के सपोर्ट के कारण ही MLA बन पाई निर्मल चौधरी। और बात रही कुलदीप शर्मा की, पहले 10 साल प्लान भी देख लिया, उसमें ज़्यादातर क्या रहा कि जो उनके साथ रहे हैं, उनके काम हुए हैं, उनसे गाँव के आदमी बहुत कट्टे हैं, जो उसके कार्यकर्ता रहे उनसे आदमी बहुत कट्टे हैं। दूसरी बात रही जो कुलदीप शर्मा ने स्टार्टिंग आए तो 5 साल अच्छे काम करे थे, हल्के ने दोबारा बनाया, लेकिन ये कुलदीप शर्मा की वो बात नहीं रही है ना उनका वजूद ऐसा है। भाई साहब देखो, ये स्टंट हो सकता है, क्योंकि मैं अपने विधानसभा की बात करूँ, वहाँ पर पिछली बार 2019 में 2016 में कौन सी चुनाव मेरे, और इससे पहले प्लान में 2014 में रविंद्र मसरोली वहाँ से चुनाव जीते थे, वो भी यही एम्बुलेंस चलाते थे, गंगा स्नान करवाते थे। तो उसने बनने के बाद मतलब कि लोगों के बीच में नहीं गया। अगर ऐसी यहाँ पर सिचुएशन बनती है तो किस तरीके के हिसाब से ये स्टंट मतलब कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं लोगों के, कैंडिडेटों की भी एम्बुलेंस चलाओ, ये कुर्सियाँ रखवाओ, ये चीज़ें, फिर जीतने के बाद कुछ नहीं है ना। देवेंद्र भाई ऐसा नहीं होगा, इतना विश्वास भी है और ये बात हम दिल से बोल सके हैं कि देवेंद्र का दिन जो है, आप रविंद्र मिश्रोली का एग्जांपल दिया आपने, तो हमारे भाई का ऐसा नहीं है कि भाई ये 8 साल उसने काम करे है, हमने पहले देखा बाला है और बढ़ते उड़े है। और दूसरी बात रही महाराज वो फर्ज है भाई, तो इस बार हमने देने का मौका मिला है, हम कोई भी कसर नहीं छोड़ देंगे। आज की देवेंद्र भाई ने गांव की पूरे हल्के की जो सेवा करी है उसका हम भाई तो एक बार मौका देंगे, फिर भाई ये काम देखेंगे। अब भाई जो आप कह रहे हो कि स्टंट हो सका है, तो अपने आप 5 साल में अपने आप पता लग जाएगा भाई के स्टंट थे या भाई सेवाएँ करना चाह रहा था। ठीक है, अगर भाई जो सेवा करेगा तो भाई के साथ है, दिल तक ई भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहोगे। अगर जो आप वाली बात रही रविंद्र मिश्र ली तरी या ऐसा करेगा तो फिर आगे और किसे आ जाएगा भाई, ये तो 5 साल पाछे फिर आ जाएगा। लेकिन मैंने कई बार अनेक चर्चा सुनी है, मतलब कोई कर रहे थे बातचीत की भाई अगर यहाँ से देवेंद्र कादियान जीतते हैं ना तो BJP का बिल्कुल अच्छा समर्थक है, अच्छे जानकार है, अच्छी पकड़ है उनकी, तो जीतने के बाद भी वो BJP में जाएंगे, इस बात से कितने सहमत ना? ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ये देखो, अगर इसमें बता रहे भाई कांग्रेस है, अगर कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आ जाता है फिर तो कोई रहता नहीं सिस्टम भाई, BJP में जा कित नहीं जाता। अगर किसी भी सरकार का बहुमत नहीं आता है तो उन सरकार ने इन कैंडिडेट की जरूरत तो पड़ेगी, जरूरत तो फिर तो वो डिसीजन ये फैसला ये देखा जाएगा कौन सी सरकार में हमने जाने में फायदा है। और दूसरी बात रही, हम तो चाह भी है कोई सी भी सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं आओ है, हमारे जो निर्दलीय जितने भी उम्मीदवार भाई जीत का होंगे वो मंत्री पद या बढ़िया दे दे, अपने उस सरकार में जाओ और अपने अच्छे काम करवाओ उसमें। दूसरी बात सबसे पहले ये देखी जाएगी, अगर कांग्रेस ज़्यादा सीट ले रही है उसको ये देख रहा है कि भाई कांग्रेस में जाने का फायदा है तो वो कांग्रेस में जाओ, अगर BJP में जाने का फायदा लग रहा है कोई BJP सरकार बनाई तो वहाँ जाओ। और दूसरी बात ये देवेंद्र कादियान ने भाई ने खुल कहा है कि जैसे 12 तारीख ने टिकट कटी थी भाई ने गन्नौर मंडी में इकट्ठे करे थे, और तो ये फैसला देवेंद्र भाई ने खुल कर बोल दिया कि इसका ही फैसला भी हमारा हल्का करेगा, हम सरकार के साथ जाओगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यो हल्का देवेंद्र कादियान के साथ है, उनके फैसले में भी हमने पूरा यकीन है कि ना दल के नाराज करे ना ऐसा कोई काम करे कि जिससे उनसे हल्का नाराज हो। अच्छा, जो और दो कैंडिडेट है कांग्रेस के हैं और एक BJP के, उनसे कुछ नाराजगी है क्या, कुछ पिछली रंजिश हो कुछ ना? जो नाराजगी जो BJP कैंडिडेट की पूछ लो, रमेश कौशिक है, वो 2 बार MP बने यहाँ थे, उन्होंने ये बोला खुद आ गए कि अब हम आठ वोट मांगने नहीं आए, हमने तरी वोट की जरूरत नहीं, अरे वो आवे तो हम तेन चाहे एक बार आवे और मरते मिले, अब भाई तो वोट मांगने के दान ला रहे हो। ये किसी यार दोस्त का फोन आया है कि भाई रमेश को ये देवेंद्र कौशिक का प्रोग्राम करवा लिए, तो हमने सीधे बोला भाई हमने गाँव में पटवाना चाहोगे तू, कहने का था ये है कि देवेंद्र कौशिक का तो ऐसा सिस्टम बन गया कि गाँव में कोई प्रोग्राम भी करवा कर जी नहीं। ठीक है, बात रही जो कुलदीप शर्मा की, उन जो पहले बने थे जो नौकरियां लगवाई थी वो परिवार उनके साथ है, उस तलक कोई भी नहीं है और उन्हें वहाँ प्रोग्राम सिस्टम बना है। आप पूरे हल्के में घूम के देखो, कांग्रेस वाला भी ये बोला गया भाई 50-50 है, तो 50-50 नहीं है, 80% मैं कहूँ 80% ना लोग, 70-80% में देवेंद्र कादियान इकला है। और यह बात फिर दोबारा दोहरा दूँ कि हमारी कोशिश यह है कि पूरे हरियाणा में 90 जो MLA बनेंगे सबसे ज़्यादा जीत मेरे भाई देवेंद्र कादियान की। अच्छा, इतनी अच्छी नॉलेज रखी है आपने, बिल्कुल बढ़िया बात बताई। क्या नाम है आपका? मेरा अमित रैठी नाम भाई, वैसे टीटू के नाम से जाने। अच्छा, अमित रैठी टीटू के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ से देखो, अभी तो फिलहाल दोपहर का टाइम है, कम चहल पहल है, काफ़ी कम लोग बैठे, अगर मैं गाँव के किसी और कोने में जाऊँ तो मिल सकते हैं अभी कांग्रेस के भी? ये लगता है कि भाई 60-40 का आंकड़ा हो सकता है आपके गाँव में? मेरे गाँव में 60-40 का नहीं है,
30-70 का कह लिए, मैं ये 30-70 का ये कह रहा हूँ कि आपका चलना, तो मैं ये कहूँ 80% मेरे गाँव में देवेंद्र का देना है। और आज कांग्रेस के साथ जो खड़े थे ना, वो कितने कितने काल जो हमारे गाँव में देवेंद्र का देना प्रोग्राम हुआ उस थोड़े नाजुक हो रहे हैं, नॉर्मल भावुक हो रहे हैं कि वो ऐसी जीत के देख रहे हैं, ये उन्हें खुद मान रहे हैं। वो अपने आप ये कह रहे हैं कि हम 18-20 हज़ार वोटा जीतेंगे, हम 18-20 हज़ार वोटा देनी हम हरियाणा में नंबर वन जीत करेंगे देवेंद्र का देना भाई। हाँ, यो अपना कति दिल से हम जुड़ रहे हैं। दूसरी बात रही अपनी जो मंडली से कोई भी है, हमारा पूरा जो 36 ब्रैदरी ने कल देवेंद्र का देना भाई का सम्मान कराया है, पगड़ी पहनाई है, आप तो जो दिखाया था कि 18 लाख रुपये जो कि भाई दमाड़ा माड़ा पर आई गई है, 3 आदमी ने पैसे में तुल्या है, लडुआ में तुल्या है, चांदी के मुकुट आए हैं। हमारा गांव बार है, गांव का प्रधान है पुरखास रैठी, जो गांव है जो पुरखास गांव है, हमारा गांव बारे का प्रधान है, 12 गांव का ऊपर जो प्रधान हुआ अगर आपका ये गांव। हाँ जी, हाँ जी, और तो उन 12 गांव में प्रधान है, अगर कोई भी दिक्कत कोई समस्या बना है तो उसमें सबसे पहले पुरखास अगुवाई करेगा। और तो हमारे गाँव ने कल भाई था उस 12 गाँव में पगड़ी पर आई है और टिकट दी है चांदी की, अब उड़े से टिकट मिली उसने मिली भाई पुरखास गांव ने टिकट दी थी अंदर का देन से कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी है तू जिताना, और तू अपने और कितने प्रोग्राम कर पुरखास में भूल जा, पुरखास वाले तय दिल तो उसके साथ है। ये तो देखो भाई कल ना यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ रहे इस गाँव में, कल हाँ कल भूपेंद्र हुड्डा भी आया है, दीपेंद्र हुड्डा भी आया था, कोई सा हुड्डा ली तू ये काम नहीं चलता ना ना ना। देखो यहाँ पर जो है ना बीजेपी पार्टी यहाँ पर बड़ी फंस गई है, वैसे पता नहीं कुछ ऐसे बोलते हैं कि कुछ चाल भी हो सकती है उनकी, क्योंकि अगर मान के चले हम अगर यहाँ से देवेंद्र कादियान को बीजेपी टिकट दे देती है तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का जबरदस्त मुकाबला होता, शायद देवेंद्र कादियान यहाँ से हार जाते क्योंकि जो 8 वोट बैंक जो है उनके पास नहीं जाता, नहीं जाता। अगर यहाँ से अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो 8 वोट बैंक भी मिलेगा और वैसी वोट मिलेगी और जो दोनों शर्मा है उनकी वोट में कटौती होगी। ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने कहीं ना कहीं चाल तो ना खेली होगी देवेंद्र कादियान को टिकट ना देते ना, ऐसी चाल की बात निकली जाएगी क्योंकि 12 तारीख से जो बाट निकला रहे टिकट की आश्वासन दिया जान ला रहा है, पिछली बार टिकट कट दी, इस बार तो सोची भी नहीं थी टिकट कट जाएगी, क्योंकि इस बार अगर बात करी जा यहाँ तक जो हमारे MP बने हैं वो बन रहे हैं ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी और बीजेपी कैंडिडेट जैसे बड़ोली, यहाँ गन्नौर हल्के मत है ऐसा सिस्टम कि देवेंद्र कादियान ने 1700 वोट का जिता काटे है बड़ोली, अगर देवेंद्र कादियान उसके साथ नहीं होते जो राज या ब्रह्मचारी 14 हज़ार की जीत है, अगर देवेंद्र कादियान नहीं होते तो लगभग 49-50 हज़ार से जीत होती, देव इसने बड़ोली भी जिता काट दिया सारा सिस्टम एक देवेंद्र कादियान के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं और उसके उससे वोट दे रहे हैं, आम कोई भी पार्टी नहीं देख रही, देवेंद्र कादियान ही हमारी पार्टी है और वो ही हमारा नेता है और वो ही बेटा। बाबा आप कहाँ से, आप इस गांव से? दादाजी बात सही है। अच्छा आपके दादा हैं? हाँ, दादा है। अच्छा क्या नाम है जी आप, एक बार नाम? रामकृष्ण। आपकी बात हो रहा है अगर बेटा बेटा अगर दादा दादा अगर क्यों, अच्छा ये बताओ अब की बार का क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं आप अब की बार? तो हुड्डा साहब भी आ रहे हैं आपके गांव में, गया होगा सरकार हुड्डा गया होगी पर गन्नौर के हल्के से कादियान आ गया, कादियान आ गया, मतलब कहीं भी जाके पता करूं मैं वो यही चीज़ लिख रहे हैं। वो आपके तुम देखो भाई हम टाड़ी पाड़े ठकाले पे बैठे हैं, काले कह रहे हैं कि जन समर्थन दिया है पंचायत ने एक बड़ा देवेंद्र कादियान को, दो हल्के ने दिया, दो हल्के इकट्ठे हो गए ना, दो भरे 12-24 गांव हो गए, दो भरेंगे 24 गांव माने इस पर सरपात कर दिया। इतने बड़े बड़े धुरंधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ रहे हैं फिर भी काम नहीं चल रहा, पापा ट्रेस बता रहे हैं कुलदीप शर्मा पर काम चलता नहीं दिखता, पापा टेप बड़े हैं जो बताए बोला भूपेंद्र हुड्डा हुआ छोटा सा वो भूपेंद्र हुड्डा सब सौदा लिया हटे क्यों आओ भाई ये तुम मना लो साहब, तो नाराजगी है आपके विधानसभा के जो लोग हैं यहाँ पर हुड्डा साहब से नाराजगी है कुछ? ना ना हुड्डा तो कोई नाराजगी नहीं भाई, हुड्डा मानस एक नंबर का, हुड्डा तो कोई नाराजगी नहीं, फिर आप यह नाराजगी भी नहीं आप दोनों हाथ में लड्डू ले रहे हो, ये बढ़िया मानस जो हल्के का विकास करे कादियान वो भाई है जो हल्के का विकास कर सके है, ये तो खा जाएंगे भाई सारे हल्के ने क्या करेंगे इनका, तो हमने चाहिए बढ़िया भाई जो कति काम करे जी। आप मतलब हुड्डा मुख्यमंत्री भी चाहते हो और देवेंद्र कादियान को भी वो चाहते हो? अच्छा नुआ बात है भाई कति, यानी कि अपने फायदे में चलना है? ना फायदे के बात है, मरा के फायदा सामाजिक विकास करे छोरा कौन सा प्रश्न, आप जब हुड्डा ले आना आपको तो यहाँ तो उसको रमेश को कुलदीप शर्मा को वोट देना पड़ेगा ना अगर मुख्यमंत्री बनाना है, और कितने तो बन जाएगा भाई, यहाँ तो देवेंद्र कादियान बनेगा, यहाँ तो ना बने
अच्छा एक तरफ भाई आप क्या कर दे अवरेज रास मार गए दिखा हां अच्छा जी कोई प्रोग्राम कानिया नहीं पंदा ही नहीं गम्मा में अच्छा हां ये तो राटो ध्यान ना है पहले को प्रोग्राम कानिया पाजा कोई पानी रहे इनने कदी मतलब बूंडा सिस्टम करे क्या करे बंद कर अच्छा अच्छा बंद आई भी अपनी खड़ी अच्छा अच्छा एक दो और बताऊं भाई मैं रुक जाओ वो कोई बात नहीं मैं गया था कि आपका जी को जी बताइए ये कौन सा गांव बताइए हीर माजरा और बिलंदपुर खेड़ी भी आपके उसमें आवा ना उसमें भी गया था मैं और एक गांव पड़ता है दतौली वो भी आपके गांव में आवा सर तो दतौली गांव में मैंने देखा था कि वही देवेंद्र कादियान के साथ है बढ़िया लोग हैं तो मैं गया था बिलंदपुर खेड़ी में सॉरी खेड़ी गुजर में वहाँ पे कह रहे थे भाई दोनों तरफा मोल है बीजेपी की ज़्यादा वोट है थोड़ी सी ज़्यादा वोट है 60-40 का आंकड़ा हो सके यार इसकी आहिर माजरे की बात आहिर माजरे में कह रहे थे कि हम बीजेपी को वोट देंगे कुछ भी हो चाहे कोई हो इसमें हाँ तो इन भी बात करना चाह रहे भाई कुछ तो मैं बाद में बात करूँ लेके आऊँगा अपने रिव्यू भी दूँगा आखिरकार क्या माहौल है तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय हरियाणा।